मियां बीवी को एक दूसरे के जिस्म के साथ तक देखना जायज है, सब कोई देखना जायज है, देखना तो मना नहीं है, उन्न लिबासुल्लकुम वअंतुम लिबासुल्लहुन, लेकिन क्या क्या देखना चाहते हो कुछ ये समझाओ तो सही। बीवी ऐसा फरमाती है, वल्लाह मुझे अल्लाह की कसम है हजूर ने मेरा बदन नहीं देखा और मैंने भी हजूर का बदन नहीं देखा। ये है इफ्फत और तकवा। वैसे देखना क्या चाहते हैं, पेशाब की जगह है, पखाने की जगह, क्या देखना चाहते हैं। मेरा एक दोस्त है, बहुत बड़ा सर्जन है, वो कहता है वकील साहब जब हमारे लेडीज के ऑपरेशन होते हैं ना, मुझे 8-8 दिन अपनी बीवी के पास जाने का ख्याल भी नहीं रहता, इतना खौफ आता है कि क्या है और कैसा निजाम है अल्लाह ने बनाया, बच्चा कैसे प्रवेश पाता है, कैसे अंदर होता है, वो सिस्टम देखकर वो कहते हैं डर लगता है दिल में, अपनी बीवी का ख्याल भी भूल जाता हूं। तुम देखना चाहते हो जी बड़ी प्यारी चीज है, देख लो, इन्ना लिल्लाह देखना, वैसे शरीयत में जायज है, तुम्हारी मर्जी, मसला हम नहीं बदल सकते। कहते जी कि यहां रहकर मेरी बीवी पाकिस्तान में है तो मैं अगर वीडियो कॉल करके उसके शहादत की बातें करूं और बाकी क्या रह गया है, ना कुरान है ना हदीस है, यही काम रह गया, यही करते रहो और क्या करोगे, उसको बुला लो या वहां चले जाओ, दूर से शहादत का क्या फायदा, नतीजा ये होगा कि वो भी गुनाह करेगी तुम भी गुनाह करोगे। शहादत जब होती है तो आदमी अंधा हो जाता है, तुम तो उसको खुद भड़का रहे हो। कहते थे कि मियां बीवी फोन पर टेलीफोन पर एक दूसरे को अपना जिस्म दिखा सकते हैं, वैसे जब दिखा सकते हैं तो फोन पर भी दिखा सकते हैं, अब बाकी काम यही रह गया दुनिया में। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और क्या कह सकते हैं, और ज्यादा देखोगे ना इंशाल्लाह जल्दी अंधे हो जाओगे। मैं नहीं कहता, इमाम जौज़ी ने लिखा है कि अन्नज़रु इला औरत المرأة يوجب العمى, औरत की शर्मगाह पे नजर डालना ज्यादा जो है ये सबब है कि आदमी के नूर चला जाता है आंखों का। एक बुजुर्ग का कौल है, अल्लाह आलम तुम्हारी मर्जी, देखो जी तुम्हारी बीवी है। सुकून कल्ब के लिए अल्लाह का जिक्र किया करें, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करें, दरूद शरीफ पढ़ा करें, साजिशों से कैसे बचें, अल्लाह से दुआ किया करें, आयतुल कुर्सी पढ़ के दम कर दिया करें। बहरहाल स्टेट लाइफ इंश्योरेंस हो या कोई हो, उस पर कोशिश करो कि वहाँ नौकरी ना करो, क्योंकि इंश्योरेंस में जुआ भी है और सूद भी है। मैं किसी चीज़ में परेशान हूँ, अल्लाह से दुआ मांगो। जब आदमी परेशान हो तो कुरान है, खुद कुरान का हुक्म है कि अम्मा युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु यकशिफ़ुस्सू, कौन है जो परेशानी में हमारे परेशानियां दूर करता है।